कूपर बिली का लिखा जर्नल तीसरी बार पढ़ता है, जिसमें ब्रैड और बिली की अंतर्वासना का जिक्र है। बाथरूम से निकलकर अपने छोटे बेटे को दूध पिलाती है और फिर से अपना जर्नल लिखने लगती है और उन पलों को लिखती है जब उसने ब्रैड को सोते वक्त नंगा फिल्माया था। कूपर इंटरनेट पर ब्रैड की प्रोफाइल देखता है। उसी दौरान उसकी बॉस उसे बुलाती है पूरे ऑफिस के लोगों के सामने। वो लेटेस्ट प्रपोजल के सबमिशन के लिए सबकी तारीफ करती है और कहती है कि कूपर का प्रपोजल सेलेक्ट हो गया है, वो बेस्ट है। चूंकि उसके प्रोजेक्ट में दूर की सोच है, अतः उस पर भविष्य में काम होगा। बिली हुडसन को छोड़ने स्कूल आती है। हुडसन की टीचर ये कहकर बिली को स्कूल में ही रोक लेती है कि अभी हुडसन का वहाँ मन नहीं लग रहा, अतः जब तक वो क्लास में कंफर्टेबल ना हो जाए बिली वहाँ हुडसन के साथ रह सकती है। मीटिंग के बाद कूपर ब्रैड से मिलने ऑफिस जाता है। ठीक उस वक्त ब्रैड वहाँ से निकलता है। कूपर ब्रैड को फॉलो करता है। वे एक कॉमन वर्क स्पेस में प्रवेश करते हैं। कूपर ब्रैड के लिए अनजान है, वो उससे बात तो करना चाह रहा है पर उसे कोई बहाना नहीं मिलता। वर्कआउट के बाद कूपर ब्रैड को फॉलो करता हुआ एक शेयर्ड बाथरूम में जाता है। बिली हुडसन के स्कूल में बैठी बैठी ब्रैड के बारे में सोच रही है। उसे वे पल याद आते हैं जब 25 फ्लोर बिल्डिंग पर चढ़ते चढ़ते ब्रैड ने उसे लिफ्ट में फिंगरिंग की थी और उसे ऑर्गाज्म करवाया था। वो शाशा को कॉल करती है, उसकी आंखें भरी हैं। वो शाशा से कहती है कि वो अब भी ब्रैड को याद कर रही है। ब्रैड उसके जहन से नहीं निकल पा रहा है, पर उसे इस बात से भी एतराज नहीं है अगर शाशा और ब्रैड सीरियसली डेट भी करें। ब्रैड एकदम सनकी है और लड़कियों का इस्तेमाल करता है। जब बिली ब्रैड के साथ उसकी माँ से मिलने गई थी तब वहाँ ब्रैड के स्टेप फादर आ गए थे, जिन्हें ब्रैड बिल्कुल पसंद नहीं करता था। ब्रैड और उसके स्टेप फादर के बीच बहस होती है और ब्रैड उन्हें कांच का गिलास फेंक कर मारता है। तब वे बिली से कहते हैं कि इसकी आदत है लड़कियों को फंसाना, उनके साथ सेक्स करना और फिर उन्हें छोड़ देना। ऐसा उसने सैकड़ों लड़कियों के साथ किया है। ब्रैड बिली को लेकर घर से निकलता है और बिली को घर जाने को कहता है। बिली जब उससे बात करती है तो ब्रैड बहुत गुस्से में कहता है, वो बुढ़ा सही था और मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करूँगा। बिली को बहुत जलील करता है और उसे रोड पर छोड़कर ही चला जाता है। बिली शाशा के सामने बैठी बैठी रो रही है। शाशा उसे समझाती है कि चलो अच्छा हुआ अभी उसकी असलियत सामने आ गई, अब तू उसे दूर रहना। ब्रैड रोड पे खड़े होकर बिली के लिए आवाज लगाता है। बिली के रिस्पांस न करने पे वो एक बोतल शाशा के घर के कांच पे मारता है। शाशा के लाख मना करने के बाद भी बिली उससे मिलती है। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों का जाल फेंक कर ब्रैड बिली को मना लेता है। इतनी बेइज्जती के बाद भी बिली मान जाती है। आज शाम बिली कूपर को पिक करने जाती है। ये कूपर के लिए बड़ा अचरज भरा था, वो खुश हो जाता है। देर रात बिली के पास ब्रैड का कॉल आता है। ब्रैड अब भी बिली को चाहता है। बिली खुद पर काबू रखती है, ब्रैड से कहती है कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश है। अब ब्रैड के चाहने ना चाहने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रैड वीडियो कॉल करता है, कहता है तुम्हें सच में फर्क नहीं पड़ता, अभी पता चल जाएगा। वो वीडियो कॉल चालू रखता है और फोन को टेबल पर रख देता है, जिसमें बिली सामने का दृश्य देख पा रही है। जैसे ही शाशा बाहर आती है ब्रैड दरवाजे पे ही शाशा के साथ सेक्स करने लगता है।